अगली बॉल बहुत ही उम्दा शॉट निकल के मारा है मिड ऑफ की तरफ चार रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर शायान के बल्ले से ये पहला चौका। आखिरी बॉल पे सिंगल लिया था और स्ट्राइक पे एक बार फिर से शायान आ गए हैं, सामना करेंगे अगली बॉल का। और ये कट कर दिया है बहुत ही सुंदर तरीके से शायान ने और बाउंड्री के बाहर चली गई बॉल चार रनों के लिए। इस तरीके से शायान के बल्ले से ये दूसरा चौका, बहुत ही सुंदर कट। शायान पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे। शायान की एंट्री क्रिकेट ग्राउंड में हो चुकी है। 8:30 हुए हैं सुबह के और आज एक और लीग मैच है अंडर 13 का। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 की थी और शायान बिल्कुल ऑन टाइम क्रिकेट ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। चहल पहल भी ऐसा लगता है शुरू हो गई है, हालांकि दोनों ही फील्ड अभी बिल्कुल खाली है, थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। चलिए सीधा ग्राउंड चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ घटता है आज के मैच में। दोनों ही टीमें लाइनअप हो गई हैं। आज एक बार फिर से 40 ओवर्स का मैच होने वाला है और चंद मिनटों में खेल शुरू हो जाएगा टॉस के बाद। दोनों ही टीमों का तारुफ हो चुका है एक दूसरे से। टॉस विपक्षी टीम ने जीता है पहले और बल्लेबाजी का फैसला किया है। शायान की टीम को एक बार फिर से आज फील्डिंग मिली है, बल्लेबाज भी तैयार और फील्डिंग साइड अब मैदान के बीचों बीच। हर्डल बन चुका है, अब प्लानिंग चल रही है किस तरीके से इस मैच को शुरू करना है और किस तरीके से ख़त्म करना है। पिछले मैच में शायान को फाइटर ऑफ द मैच का खिताब मिला था। दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। फील्डिंग साइड पूरी तरीके से फैल चुकी है चारों तरफ। 30 गज के दायरे में अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खिलाड़ी और थर्ड मैन बाउंड्री पे एक खिलाड़ी मौजूद। All set to start second league match of under 13 tournament. बॉलर बिल्कुल तैयार, बल्लेबाज भी बिल्कुल पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं और अंपायर ने इशारा किया, बॉलर ने भागना शुरू किया और ये पहली बॉल वाइड बॉल और ये थर्ड मैन पे फील्ड की गई। खाता खुल चुका है टीम का, बहुत अच्छी थोड़ो सीधा स्टंप्स पे। एक और बॉल लेकर बॉलर तैयार और ये अच्छी बॉल थी, फ्लिक करना चाहते थे बल्लेबाज, बॉल और बैट का संपर्क नहीं हुआ। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पे पहली विकेट का पतन हो चुका है, बहुत सस्ते में पहली विकेट गिर गई है और एक और नए बल्लेबाज अब मैदान के बीचों बीच। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, दूसरी विकेट का भी पतन हो गया, ऑफ स्टंप बिखर गई जमीन पे, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी बॉल। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा शायान की टीम का। अभी तक दूसरे ओवर में ही 2 विकेट गिर चुकी है और नए बल्लेबाज अंदर जाते हुए। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एक और विकेट का पतन हो गया है, तीसरी विकेट गिर गई है और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी अभी तक यादव और अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। बहुत ही निराशाजनक, 49 रन्स बनाकर आउट हो गए, बहुत अच्छी पारी, एक और रन की दरकार थी जस्ट 50 के लिए और आउट हो गए। इसके साथ ही ड्रिंक्स भी मैदान पे आ गए हैं, तरोताज़ा हो रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है ग्राउंड के ऊपर, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। 3 विकेटें गिर चुकी हैं अब। 12.3 ओवर्स का खात्मा हो चुका है और तीसरी विकेट गिर गई है उपासना यादव, 49 रन्स बनाकर 3 विकेटों के नुकसान पे अब 94 रन, 94 रन्स हो गए। एक और शानदार कैच और उसके साथ ही एक और विकेट का पतन, चौथी विकेट का पतन हो गया है। नए बल्लेबाज अब मैदान के बीचों बीच आ गए हैं।
20 ओवर्स का खात्मा हो चुका है और इसके बाद टीम का विपक्षी टीम का स्कोर 138 रन 5 विकेटों के नुकसान पे हो चुका है। इसके साथ ही ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे आ गया है। 23.4 ओवर्स के खात्मे के बाद 157 स्कोर हो चुका है 8 विकेटों के नुकसान पे। काफ़ी सदी हुई बॉलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त वापसी। एक समय में ऐसा लग रहा था कि आज फिर से 300 का स्कोर बनेगा, लेकिन ज़बरदस्त वापसी की है शायान की टीम ने। बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, ज़बरदस्त लगातार अंतराल के बाद विकेटें गिर रही हैं। एक और विकेट का पतन और नए बल्लेबाज अंदर जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है मानो 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी टीम। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी हो रही है और फील्डिंग भी काफ़ी हद तक चुस्त दुरुस्त हुई है शुरुआत के मुकाबले। क्लीन LBW, इसके साथ ही 9वीं विकेट का भी पतन हो गया है। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, काफ़ी देर तक संभाले रखा अपनी टीम की कमान को, क्योंकि जल्दी से 8 विकेटें गिर गई थी और अंत में खुद भी आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ लौटते हुए और नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीचों बीच आ गए। 36 ओवर अभी चल रहा है, 4 ओवर्स इसके बाद शेष हैं इस मैच में। इसके साथ ही क्लीन बोल्ड हो गए और 10 विकेटें 36.3 ओवर्स में गिर गई हैं टीम की। 233 रनों पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई है और अब इनिंग्स ब्रेक। 234 रनों का टारगेट मिला है, 234 रन्स 40 ओवर्स में बनाने होंगे। देखते हैं किस तरीके से शायान की टीम बल्लेबाजी करती है। टीम मीटिंग चल रही है इस वक्त, सेकेंड इनिंग्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 234 रन्स का टारगेट मिला है और शायान और मोक्ष ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए तैयार होने जा रहे हैं। शायान बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए, आज ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से। पहले बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम ने 233 रन स्कोर किए थे, 233। अब शायान की टीम किस तरीके से पीछा करती है देखना होगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मोक्ष और शायान बिल्कुल तैयार आज ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए। 234 रन्स 234 रन्स का पीछा करना है और बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक टारगेट है, 40 ओवर्स में बनाने हैं 234 रन। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी शायान को और मोक्ष को। शुरुआत अगर अच्छी रही तो डेफिनेटली टीम मंजिल तक पहुंच सकती है। पिछले मैच में शायान को फाइटर ऑफ द मैच का खिताब मिला था, हालांकि टीम हार गई थी और अब फील्डिंग साइड भी मैदान के बीचों बीच प्रवेश करते हुए शायान स्ट्राइक लेने के लिए पहुंच गए हैं बिल्कुल सामने और मोक्ष हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे। शायान स्ट्राइक पे गार्ड ले रहे हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं मोक्ष और मयंक बॉलिंग की कमान संभालेंगे। बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, अंपायर का इशारा हुआ और बॉलर ने भागना शुरू किया। शायान बिल्कुल सामने और ये वाइड बॉल से शुरुआत हुई है। इसके साथ ही फ्री हिट भी पहली ही गेंद पे। अगली बॉल लेकर बॉलर ने भागना शुरू किया, सामने शायान। मोक्ष के बल्ले से ये पहला चौका, कवर्स पे खेल दिया था, अच्छी शॉट। शुरुआत हो गई है बल्ले से टीम की। अगली बॉल सामने शायान, और इसके साथ ही शायान ने अपना खाता खोला। अगली बॉल
बॉल और ये बढ़िया शॉट कवस की दिशा में, कोई रन नहीं। तीसरी ओवर की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही मोक्ष आ गए हैं अब बल्लेबाजी के लिए सामने। 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, शायान 1 रन पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। अगली बॉल सामने मोक्ष, अच्छी बॉल, कॉट बिहाइंड की अपील, कोई नुकसान नहीं। अगली बॉल सामने मोक्ष और ये कट कर दिया है और सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अच्छी शॉट, स्लिप और गली के बीच से। अगली बॉल सामने शायान, डिफेंस कर दिया। अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार नए ओवर की और सामने आ गए हैं शायान एक बार फिर से, डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं। अगली बॉल बहुत ही उम्दा शॉट निकल के मारा है मिड ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। शायान के बल्ले से ये पहला चौका, 5 रनों पे पहुंच गए हैं शायान। 6 ओवर्स के खात्मे के बाद टीम का स्कोर 21 रन हो गया है, मोक्ष 10 और शायान 5 रन बनाकर खेल रहे हैं इस वक्त। 40 ओवर्स का खेल है इसलिए हड़बड़ाहट की कोई गुंजाइश नहीं, धैर्य के साथ खेलना होगा अगर लक्ष्य को पाना है, प्राप्त करना है। तो अभी तक दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही धैर्य से खेल रहे हैं। अगली बॉल इसी बीच मोक्ष के लिए और बहुत ही बढ़िया शॉट कवर्स के और गली के बीच 1 रन के लिए। शायान पहुंच गए स्ट्राइक में, शायान बिल्कुल तैयार अगली बॉल का सामना करने के लिए। दोनों ही छोर से स्पिन गेंदबाजी हो रही है और इस बीच 1 और रन शायान के लिए 6 रनों पे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 6 रनों पे पहुंच गए शायान। मोक्ष खेल रहे हैं 10 रन बनाकर, 22 हो गया है टीम का कुल स्कोर। आखिरी बॉल पे सिंगल लिया था और स्ट्राइक पे एक बार फिर से शायान आ गए हैं, सामना करेंगे अगली बॉल का और ये कट कर दिया है बहुत ही सुंदर तरीके से शायान ने और बाउंड्री के बाहर चली गई बॉल 4 रनों के लिए। इस तरीके से शायान के बल्ले से ये दूसरा चौका, बहुत ही सुंदर कट, शायान पहुंच गए हैं 10 रनों पे डबल फिगर्स में इसके साथ ही। 8 ओवर्स का खेल ख़त्म हो चुका है, 27 रन स्कोर हो गए हैं, शायान 10 और मोक्ष 11 रन बनाकर खेल रहे हैं इस वक्त। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से खेल शुरू हो गया है, मोक्ष सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं और मिड विकेट पे खेलते ही 1 रन, शायान पहुंच गए हैं अब स्ट्राइक पे, शायान सामना करेंगे अगली बॉल का मिड विकेट पे 1 और। और ये अच्छी डाइव, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, मोक्ष 12 और शायान 11 पे पहुंच गए हैं अब। अगली बॉल सामने मोक्ष और ये इसके साथ ही पहली विकेट का पतन हो गया है, मोक्ष आउट होकर पैवेलियन की तरफ वापस लौटते हैं। अब रिधान आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए, मोक्ष के आउट होने के बाद सामना करेंगे अगली बॉल का, नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हैं शायान 11 रन बनाकर और बहुत ही अच्छी बॉल थी, काफ़ी अच्छी बॉल, बाल बाल बचा। अगली बॉल होम द शॉट, कोई रन नहीं। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है और शायान एक बार फिर से आ गए हैं स्ट्राइक पे, 11 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी सूझबूझ से खेलना होगा इस रन चेज में, रन लेना चाहते थे, इन्होंने स्ट्राइकर ने मना किया, कोई रन नहीं। अगली बॉल हवा में खड़ी हो गई है बॉल और ये इसके साथ ही आउट हो गए शायान 11 रन बनाकर। इसके साथ ही शायान आउट होकर पैवेलियन की तरफ वापस आते हुए।
मैच अभी भी जारी है, लेकिन कुछ पर्सनल काम होने की वजह से शायान आउट होने के बाद अब जल्दी से आज निकल रहे हैं घर की ओर। शायान अब निकल पा रहे हैं अपने घर के लिए। सिर्फ 11 रन स्कोर कर पाए आज, एक गलत शॉट और काम तमाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं, फिर नेक्स्ट मैच के साथ मिलेंगे। लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हैव अ नाइस डे गाइस।